नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में आंधी तूफान और भयंकर बारिश को लेकर आ रही है। अचानक से मौसम बदला है और मौसम बदलते ही दोस्तों दिल्ली और दिल्ली एनसीआर तथा आसपास के क्षेत्रों में अंधकार सा छा गया है। सुबह से ही कहीं पर रिमझिम तो कहीं पर दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है। वहीं तेज बारिश की वजह से कई इलाके दोस्तों यहाँ पर जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक देश के कई राज्यों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना जताई। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि देश के कुछ इलाकों में 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक बारिश होगी और उसके बाद में मौसम सामान्य हो जाएगा। वहीं साथियों आपको बता दें कि आंधी तूफान में हल्की वस्तुएं उड़ सकती हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी का आप सभी पालन करें। वहीं साथियों अगले 2 दिनों तक घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से आप बचें। वहीं साथियों आपको बता दें कि अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पूरी दिल्ली और एनसीआर, गन्नौर, महम, तोसाम, रोहतक, भिवानी, बड़ौत, शिकारपुर, खुर्जा के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं यहां पर अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं साथियों आपको बता दें कि किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, आपूट, गुलोटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, बहजोई, पहासू, देबाई, नरोरा, गभाना और सहसवान, जट्टारी, अतरौली, खैर, अलीगढ़, कासगंज, नंदगांव, इगलास, सिकंदरा, राव और दोस्तों यहां पर बता दें अगले 2-3 घंटों के दौरान बरसाना, राया, हाथरस, मथुरा और डीग, उत्तर पश्चिमी भारत में आज बारिश गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही बता दें कि जैसे ही दिल्ली में अचानक से मौसम पलटा और झमाझम बारिश हुई, कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं दोस्तों। चारों ओर पानी ही पानी भर गया है। अंडरपासों में पानी जाने की वजह से जो यात्री हैं, राहगीर हैं दोस्तों, उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में अगले 3-4 दिन जबरदस्त बारिश की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताकर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।